जैसलमेर में पिछले करीब 70 दिनों से नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा था। नहरबंदी के चलते पहले 30 दिनों तक सिर्फ पेयजल आपूर्ति की जा रही थी। पंजाब में नहरों की रिलाइनिंग की जा रही थी, जिसके चलते नहरबंदी में पिछले 30 दिनों तक पूर्णतः नहरबंदी थी, जिस पर नहरी विभाग व पेयजल विभाग द्वारा डिग्गियों को भरकर पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही थी। अब नहरबंदी का दौर खत्म हो गया है। नहरों में बुधवार को पानी छोड़ दिया गया है। इसके बाद अब इस पानी को जैसलमेर पहुंचने में करीब 1 सप्ताह का समय लगेगा। आमतौर पर हर साल नहरों में पानी आने के बाद पेयजल की समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन इस साल पेयजल विभाग के कंटीजेंसी प्लान पर प्रकृति का साथ देने वाली पहली बार गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। आमतौर पर मार्च में ही नहर बंदी शुरू हो गई जाती है, जिसमें अप्रैल मई के पेयजल को लेकर हाहाकार मच जाता है, लेकिन इस बार पहले तो पेयजल विभाग के कंटीजेंसी प्लान व उसके बाद प्रकृति के साथ देने से पेयजल को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगामी 1 सप्ताह में नहरों में पानी आने के बाद फिर से पेयजल की व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी शहर में है, लेकिन इस बार शहर में पेयजल को लेकर आमजन को बिल्कुल भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। शहर में नियमित पेयजल आपूर्ति के अलावा 10 टैंकरों के माध्यम से हर घर तक पेयजल पहुंचाया गया। इसके लिए पेयजल विभाग की पूरी टीम ने काम किया। हालांकि ग्रामीण अंचलों में भी इस बार ज्यादा पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। क्या क्या मुख्य वजह रही? हमारे नहर विभाग द्वारा जब नहर बंदी शुरू हुई थी तो उससे 1 महीने पहले से ही हमने सभी जलाशय जो जलदाय विभाग के थे तथा नहरों के जो पॉन्ड लेवल थे उनको लगातार मेंटेन रखा और सभी पॉन्डों को सुबह यूज करते हुए जलदाय विभाग की हमेशा आपूर्ति की। इसके अलावा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में अभी बरसात होने से भी काफ़ी असर पड़ा। लोकल आसपास के क्षेत्र में मवेशियों को भी पानी उपलब्ध रहा, ढाणियों में गाँव में भी पानी लोगों को मिलता रहा, तो नहर विभाग के ऊपर कोई ऐसा कोई वो विपरीत असर नहीं पड़ा कि पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, न ही कोई शिकायत आई। सभी को पानी अभी तक उपलब्ध हो रहा है और अब हरिके बैराज से 1 जून को पानी छोड़ दिया गया है, तो संभावना है कि जैसलमेर संभाग का जो नहरी क्षेत्र है 1254 मुख्य नहर की बुर्जी, वहाँ पर 7 जून तक पानी आ जाए।